कांग्रेस ने आज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी श्री परमबदूर पहुंचकर और राजीव गांधी मेमोरियल पर अपने पिता को श्रद्धांजलि उन्होंने दी। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने शुरुआत की। कांग्रेस की इस यात्रा को मिशन 2024 से पहले पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। कांग्रेस की यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। हर दिन 21 किलोमीटर पैदल चलकर 150 दिन में 3,570 किलोमीटर की दूरी तय कर यात्रा कश्मीर पहुंचेगी। 3,570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का आशियाना कंटेनर होगा जो चलता फिरता होगा। वो 150 दिनों तक इसी कंटेनर में रहेंगे। सोने के लिए बेड, टॉयलेट और कुछ में एसी भी लगाया गया है। हमारे साथ है जयराम रमेश जी जो कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के। सर, तपस्या और इसके साथ साथ मंथन, यहाँ पर संगम है जहाँ पे हम इस समय मौजूद है कन्याकुमारी में, तो किस तरह से पूरी यात्रा जो है जाएगी? क्योंकि आप लोगों ने कह दिया किसी रिजॉर्ट में नहीं रहेंगे, किसी जो है होटल में नहीं रहेंगे, आम लोगों के बीच में आम तरीके से रहेंगे और एक तपस्या हम लोग करेंगे। ये राहुल गांधी जी के शब्द है, उन्होंने कहा ये मेरे लिए तपस्या के माफिक। तो ये 3,570 किलोमीटर पद यात्रा जो करीब 150 दिन लगेंगे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 12 राज्यों से गुजरेगा, 118 कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं, एक तिहाई महिलाएं हैं और औसत आयु 38 है। राहुल गांधी जी भी शामिल हैं, ये पद यात्रा पूरे करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से हमने इसकी कल्पना की थी, जिस मकसद से ये निकल रहा है, आर्थिक हमारे समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, भारत टूट रहा है, जोड़ने की जरूरत है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हो रही है और यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता नेता सारे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये पदयात्रा है और 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा को कवर करना आसान नहीं है। यही वजह है कि आप देखिए जितने लोग यहाँ पे आए हैं वो लोग जूते पहने हुए हैं, दौड़ने के जूते पहने हुए हैं। अमूमन नेतागण होते हैं तो इस तरह की तैयारी से नहीं आते हैं, पर उनको पता है कि पद यात्रा है और चलना है, तो नेताजी कई लोग नए नए जूते भी खरीदे हैं।